हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी लोगों का आर्यन गुड़िया ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास हैं एक जाने माने हस्ती कलाकार मिस्टर सुरेंद्र गोयल जी, जिनका मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू लिया था अपने सेकंड चैनल के जरिए, जिसका मेरा जो चैनल है सेकेंड आरजी आर्यन। और एक बार फिर से आए हुए हैं अंकल जी, और अंकल जी को नमस्कार मेरा। कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूँ, अपनी बताइए कैसे हो? बस बढ़िया है। हाँ। तो बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे एक्चुअली में मिलने का, एक मीटिंग किया जाए, तो बहुत दिनों के बाद आज संयोग बस हम लोग मिले हुए हैं। चिराग दिल्ली का पार्क है और हम लोग मिलने का एक रीज़न था, वो सारा चीज़ अभी अपने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। और तब तक आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल पर हम ब्लॉग लाते रहते हैं या नई कोई एक्टिविटी करते हैं उस चीज़ को लाते रहते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर के बारे में अभी थोड़ा सा जानेंगे, क्या करते हैं और अभी कहाँ, कितनी दूर से हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो चलिए बिना देरी के एक बार अंकल जी से ही बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है सुरेंद्र गोयल। मेरी एज है 73। मैं सरकारी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हूँ और स्वतंत्र लेखन करता हूँ, फिक्शन राइटिंग करता हूँ। जी हाँ जी हाँ, मेरी बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं। हाँ, एक्चुअली मैं आज मैं इनकी बुक लाना भूल गया, मेरे पास भी इनकी दो चार बुकें पड़ी हुई हैं। तो सर राइटर हैं और ये कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं और लघु कथाएं, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल से अभी जानेंगे इनके बारे में। तो सर, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने कब से स्टार्ट किया, आपकी जर्नी क्या थी इसके बारे में। भैया, मेरी जो लेखन की जो शुरुआत थी, जी हाँ, तब मैं 1966 में 10वीं पास करके प्री यूनिवर्सिटी उस वक्त हुआ करती थी। जी हाँ, कॉलेज में एडमिशन लिया कर, तब मैंने पहली कविता लिखी थी एडी। जी, एसटी कॉलेज की एक कविता थी जिसका बीच में एक बार वर्ड आया था एडियू। एडियू, अच्छा, एडियू का मतलब होता है अलविदा। अलविदा, वो मेरे को शब्द इतना पसंद आया। हाँ। और उस वक्त मेरी अंग्रेजी भी अच्छी थी और मैंने उस वक्त इंग्लिश की कविता से अपना लेखन शुरू किया था। अच्छा अच्छा, मेरा इंग्लिश की कविताओं का अपना एक संग्रह है। हाँ जी, तो अभी आपने जैसे देखा, जो सर ने बताया, जो उपन्यास लिखते हैं, इन सब चीज़ों की जो डिटेल होगी वो भी एक दो चार बुकें जो मेरे पास पड़ी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और उनमें से कुछ है ऐसी उपन्यास के बारे में बताइए जो आपकी, मतलब आपके लिए फेवरेट रही हो और समाज के लिए एक अच्छा एक मैसेज देती हो। बहुत सारा लिखा है और सारा का सारा सामाजिक है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए और जागरूकता लाने के लिए लिखा है। हाँ। मैंने एक उपन्यास लिखा था सत्ता परिवर्तन। सत्ता परिवर्तन, उसका एक ही उद्देश्य था कि जब लोकतंत्र को हम आज़ाद कर देते हैं, जी हाँ, तो वो निरंकुश होकर के मनमानी करने लगता है। जी हाँ, भारत में यही हो रहा है, यही हो रहा है। उसकी लोकतंत्र की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, हाँ, उसके ऊपर राजतंत्र का अंकुश जरूरी है। जरूरी है, इसीलिए मैंने एक उपन्यास लिखा कि देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो, नेतागिरी खत्म हो, झूठे वादे खत्म हो, चोरी चकारी खत्म हो, अपराध खत्म हो। जी हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस उपन्यास के ऊपर कोई अगर अच्छा प्रोड्यूसर है, फिल्म प्रोड्यूसर, जी हाँ, अगर फिल्म बनाता है, हाँ, तो ये समाज के अंदर एक नई जागरूकता पैदा करेगी, समाज में जागृति आएगी, समाज में सुधार पैदा होगा। जी हाँ, तो अभी आप लोगों ने देखा और अंकल जी ने जो बताया, तो बाकी अभी अभी एक चीज़ और आप लोगों को अपडेट देना था कि सर एक चैनल अभी शुरुआत तो बहुत पहले से कर दिए थे, बस बीच में स्टॉप करना पड़ा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिनकी वजह से अभी वीडियो नहीं आ रही थी इनके चैनल पे। तो इनके जो चैनल का नाम है सुरेंद्र गोयल ऑफिशियल, पहले सुरेंद्र गोयल था, उसको ऑफिशियल हम चेंज करेंगे और इस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हफ्ते में दो या एक जो भी है वीडियो आपको मिलेगी और ये इनके जो लेखन है उसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को भी पसंद करना, सब्सक्राइब करना और इनका जो चैनल है, फर्स्ट वीडियो आते ही इनका जो चैनल का लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ऐड भी कर दूंगा अपने स्टोरी में ताकि आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा जाने, अपना जो प्यार है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि ये भी यूट्यूब के जरिए कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। इनको फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो ये पैसों के लिए काम कर रहे हैं, बस ये काम कर रहे हैं कि
मैं ये जो काम कर रहे हैं उस वो चीज़ आप लोगों के तक पहुँचे, ये जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आप लोगों तक पहुँचे, बस इनका यही उद्देश्य है। इनको पैसा कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। सुरेंद्र गोयल ऑफिशियल चैनल एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, और अभी मैं आपको बता दूं कि बहुत दूर से आए हुए हैं, मोस्टली कम से कम 30 किलोमीटर होगा। हाँ, रोहिणी यहाँ से कितना होगा? रोहिणी से अभी यहाँ पे चिराग दिल्ली आए हुए हैं स्पेशली मिलने के लिए, और अभी मैं इन चिराग दिल्ली के पार्क में बैठे हुए हैं, और संयोग बस क्या बताएं, छोटा सा चोट भी लग गया यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। एक बार दिखाइए, ये यहाँ पे चोट भी लग गई, तो थोड़ा सा क्रीम वगैरह था वो भी लगाया दिया, फिलहाल अब जाके इनको दवा लेना पड़ेगा। तो मेन मकसद ये है कि उम्र कितनी भी हो लेकिन जो हौसला है वो जज्बा है अगर इंसान के अंदर वो जिंदा है तो उम्र मायने नहीं रखती है। 73 की एज में भी अगर कोई संघर्ष करना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है, समाज का एक आईना बनना चाहता है, तो हम लोगों का और आप लोगों का प्यारी जनता का एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही कोई अच्छा काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो सर कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि YouTube पे आने का मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है जी, हाँ, कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सजग हों जी, और उसके लिए लड़ाई लड़ें। बिल्कुल सर, बस यही मेरा संदेश। हाँ, और वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। सुरेंद्र गोयल ऑफिशियल नहीं है सब्सक्राइब किया तो कर लेना, जो वीडियो आएगा वो भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और अंकल की अभी पूरी हेल्प करनी है, वीडियो बनाने से लेके एडिटिंग से लेके अपलोडिंग तक सारी चीज़ की इनको जानकारी देना है, सिखाना है। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए, अंकल जी को भी सपोर्ट कीजिए, और इसी आशा के साथ में चलिए वीडियो ज़्यादा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए, फैमिली के साथ रहिए, बाय बाय दोस्तों।